अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां है और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, लिहाजा इसके लिए अब कम ही वक्त बचा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजनीतिक सलाह भी दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए इसे जिन्ना का मैनिफेस्टो बता दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को पाकिस्तान के रावलपिंडी से चुनाव लड़ने की सलाह दी है। दरअसल सोमवार रात को गाजियाबाद में अपने आवास पर समाचार एजेंसी से बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है। ये मैनिफेस्टो मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं लगता, मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेस को, ना नीति बची है, ना नियत और ना नेता बचा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने की चर्चाओं पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान के रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र 6 अप्रैल को जारी किया था। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने 5 न्याय 25 गारंटी के साथ 300 से ज़्यादा वादे किए हैं। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव का भी विरोध किया है। 48 पन्नों के इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किसान, यूथ, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को ध्यान में रखकर भी कई वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो सरकार बनने पर जाति आधारित जनगणना करेगी और आरक्षित अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50% से ज़्यादा कर देगी। जब से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तब से पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो की आलोचना कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर सहारनपुर की रैली में निशाना साधा था और कहा था कि देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस दशकों पहले ख़त्म हो चुकी है। अभी जो कांग्रेस बची है उसके पास ना तो ऐसी नीति है जो देश के हित में है और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन है। आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां है और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी के चलते आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद से प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के प्रति लगातार हमलावर बने हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने 40 साल पुराने जुड़ाव को ये कहते हुए ख़त्म कर दिया था कि राम और राष्ट्र के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि जब कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ की थी। अब प्रमोद कृष्णम के इस बयान के बाद
राहुल गांधी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कुछ कहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही।